दोस्तों नमस्कार, मैं आसाम से सत्यरंजन बरा। मैं आप लोगों को आज दो तीन ऐसा बात बताने के लिए वीडियो मैंने किया है। जैसे अभी टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं हिंदू के लिए आसाम पे काम कर रहा हूँ, हिंदू कल्चर के लिए, टू सेव टू कंजर्व द हिंदू कल्चर एंड टू इंक्रीज द अवेयरनेस फॉर हिंदू कॉन्शियसनेस एमंग द पीपल ऑफ असम, एमंग द ऑल द ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज ऑफ दिस स्टेट। बट दोस्तों, यहाँ पे असम पे हिंदुत्व के ऊपर बात करना मीन्स ऐसा हो गया कि सोए हुए शेर को जगा लेना टाइप। बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी सेट देयर माइंड कि We are not Hindus. We are Assamese and we are whatever it is. Because these people are very simple. They wanted to be in a very confined jurisdiction. They wanted to celebrate their own traditional cultures and own traditional behaviors. They wanted to be confined in their own jurisdiction. Therefore, they never think, even we the people, the political leaders and all other social leaders, social activists, they also never tried to know you are a part of the greater India. So, इन दिस सिचुएशन व्हेन जब मैंने किया कि नहीं हम हिंदू है, हिंदू वी आर ए पार्ट ऑफ ग्रेटर हिंदू, तो सबको लगा कि नहीं ये भाई तो कुछ पॉलिटिकल पर्पस के ही है, सम सर्टेन पॉलिटिकल एजेंडाज, हिडन पॉलिटिकल एजेंडाज। सो वन एट मोमेंट पे ऐसा हुआ था कि नहीं लेट्स गो फॉर इट, किसी ने सोचा भी है, किसी ने किया भी है, समझा भी है। बट when the sea kisi when Assam is totally it's become so politicalized, all the issues of Assam has become so politicalized nowadays. So you cannot talk about Hinduism, you cannot talk about the culture and all these things. Everywhere everyone try to find out them, what is the hidden political agenda of this person, or what may be the hidden political agenda of the briefing the particular issue. So in this scenario it is very tough, to be very honest, but still we are trying hard. हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम का काम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये आपको एक बात बोलते हैं अभी कि यहाँ पे जो नैरेटिव सेट करके रखा हुआ है आफ्टर द टाइम, स्पेशली आफ्टर द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स, जब से क्रिश्चियन मिशनरीज लोग यहाँ पे आए हुए थे तभी से यहाँ पे ऐसा एक नैरेटिव बना के रखा हुआ है। बिकॉज यू नो असम इज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल्स कॉलेजेस एंड द मीडिया हाउसेस आर डोमिनेटेड बाय लेफ्टिस्ट पीपल, दे हैव सम सर्टेन माइंडसेट्स। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप हिंदुत्व के लिए बात करोगे, दे फील कि नो दे आर लव टू टॉक अबाउट, दे आर लव टू एक्सेप्ट, दे लव टू एक्सेप्ट द अरबियन कल्चर्स, दो इट इज हर्टिंग अस, बट दे लव टू एक्सेप्ट द अरबियन कल्चर्स, बट दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, दे हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स व्हेन दे हैव टू थिंक अबाउट हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म। अभी इस सिचुएशन पे जबकि इन असम ऑलमोस्ट 32 सीट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय माइनॉरिटीज, व्हाट एवर यू कैन से माइनॉरिटीज इन असम, देयर इज नथिंग कॉल्ड माइनॉरिटीज, ओनली जोइन, यू फाइंड माइनॉरिटीज इन जोइन, पारसी एंड ऑल, आई डोंट नो व्हाट एवर पारसी इज देयर और नॉट, यू कैन फाइंड सिक्स जोइन्स एंड ऑल, बट व्हाट एवर इज इन जनरली व्हाट यू से माइनॉरिटी इन असम इज दिस कॉल्ड मेजोरिटी, ऑलमोस्ट दे हैव ऑलरेडी 32 सीट्स। So, Assam is in the verge of becoming the next Kashmir. It may take 10, 20, 30 years, but it's in the verge of that. So, I don't know how we can save. We have new government here, and I believe rest of the people of the Assam also believe that the new chief minister has the capacity to protect the Hindu culture and Hindu tradition, and that he can save Assam from becoming the new Jammu and Kashmir. But time has all the solutions. Time has all the solutions. So we have to wait for the time. And I too hopeful as like the other people. अभी मैं ये आपको बोलने के लिए अभी ये है बोलना आपको कि जो सिचुएशन अभी असम में है इस पे हमें एक साथ मिल के अगर हम काम नहीं करेंगे तो वी कैनॉट सेव असम। सी पोलिटिकल विल ऑलवेज बी देयर, वहाँ पे तो हमें पोलिटिकल विल सही होगा, बट जो सोशियली जो होगा ना, कल्चरली जो होगा, व्हेन वी आर
सेइंग अबाउट कि वी आर हिंदूज, वी नीड द राइट हिंदू राइट्स, स्पेशल आसाम में बिफोर वी से अबाउट कि वी आर हिंदूज वी हैव टू रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल ट्रेडिशंस, इंडिविजुअल कल्चर्स ऑफ ऑल द tribes and communities, because Assam has lot of tribal people are there. We have Sutiyas, we have Nath Jogis, we have Moran, Motok, Boro, Karbi, Kasari, Dimasa, and we have lot of tribes. But those tribal peoples never feel that they are a part of Hindus. So they are practicing Hindu rituals, they are practicing Hindu traditions, but somehow, I don't know, जिस जिसके साथ मेरा बात हुआ है कि देयर आई डोंट नो देयर आर सर्टेन रीजंस वी मे नॉट गो इनटू देम एस रिक्वायर्ड, ये भी हो सकता है जैसे सही होगा शायद उसी हिसाब से हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, पर अभी हमें कैसे जाना है, कैसे जाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दिस सुटिया ट्राइब, सुटिया कम्युनिटीज, As per the information, they are the first tribe to accept, formally accept the Hindu religion in this area, in Assam. But now they are being, what you can say, betrayed, or they are not considered to be as a politically or socially or economically strong component of this scenario. So I am trying to find out the solutions, and my request to all the people, all the able people of Hindu gurus, or all the experts of Hinduism, all the experts of all, like how we can correlate our tribal peoples, how we can correlate our all the caste and communities in under one umbrella, which is Hindutva. I am trying hard, but I need all of your supports. तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कैसे हमें करना है, हाउ वी हैव टू फाइट, हाउ वी हैव टू टॉक, हाउ वी हैव टू मोटिवेट, एंड हाउ यू कैन कंजर्व देयर ओन ट्रेडिशंस, हाउ यू कैन प्रमोट देयर ओन ट्रेडिशंस, हाउ यू कैन प्रमोट एंड प्रोजेक्ट देयर एथनिक फूड्स, एथनिक क्लॉथ्स, एथनिक थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स, एंड हाउ यू कैन रिलेट देम विद द ग्रेटर हिंदू कल्चर. सो वी हैव टू थिंक ऑल अबाउट दिस थिंग्स. सो इसीलिए मैंने आपको ये, आप सभी को ये मेरा ये है अपील है कि आप लोग कृपया हेल्प कीजिएगा, गाइड कीजिएगा. जो यहाँ पे जो काम करना है, वी हैव स्टार्टेड आवर जॉब एज ए कुटुंब सुरक्षा मिशन, कुटुंब सुरक्षा मिशन, वी ऑल आर कुटुंब, एस इज हिंदू सेड के वसुदेव कुटुंबकम, वी डू बिलीव इन दैट. सो इन दिस प्रोसेस I am hopeful, I am looking forward to get your supports and guidance, how you can connect. Actually, how you can build a team in Assam based on Hinduism, based on Hindutva. So this is my request to everyone, all the Hindu gurus, Hindu experts, and all the social leaders, social engineers, to everyone. I have this is my request. So please do help me and spread this message so that everyone can see and everyone can find the solution for us, how we can integrate the tribes and communities, different tribes and communities, and how we can take them under one umbrella, which is Hindu. Thank you.